शाम के 4 बज रहे हैं, तो कैसे हैं आप सब? आई होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं ठीक ही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है ब्लॉग वगैरह बनाने का, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं लगती है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि यार कुछ अच्छा नहीं है। बस ना तो ये ढंग से खा रहा है और ना ये कुछ पी रहा है, तो इस वजह से अभी सोने में भी अभी इसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि जैसे सो रहा है ना, यूँ लग रहा है कि अभी इसको उल्टी हो जाएगी, या अंदर से लग रही है बेचैनी सी, नाक सा बंद है, तो कुछ ऐसा इसको फील हो रहा है, तो इस वजह से ना ये सो नहीं पा रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा ना मैं विक्स लगा दूँ, तो फिर मैं इसको, चलो मैं विक्स लगा देती हूँ, उससे थोड़ा सा इसको बेटर फील होगा। अभी तो बहुत मुश्किल से सोया है, लेकिन सोया तो है, लेकिन इसको अंदर से ना बेचैनी सी होती है ना, वो है जुकाम की वजह से नींद नहीं आती है, नाक बंद सा लगता है, तो थोड़ी वो है इसको, और फीवर भी है। दवाई मैंने इसको मॉर्निंग में ही दिया था, अभी तो ये पी नहीं रहा है, और अभी जब मैं पिला रही थी जब इसने पी नहीं, और अभी ये सो रहा है, तो जब ये उठेगा तो मैं इसको ज़रूर मेडिसिन दे दूंगी, और मैं सोच रही हूँ कि बस जल्दी ठीक हो जाए। अगर ये ठीक रहता है तो उसके साथ वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, अगर ये ठीक हो जाएगा ना फिर हम इसके साथ चैलेंज लेके आएंगे, तो मैं चैलेंज वाली वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और आप सब ढेर सारा उस पर प्यार बनाए रखना, और प्लीज़ आप सब विशेष करो कि मेरा बच्चा जल्द से ठीक हो जाए, इसके बाद हम अपने ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे। और बस ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये ठीक होता है फिर उसके बाद थोड़ा सा मन भी लगा रहता है कि हाँ कोई चीज़, कोई भी काम करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, नहीं तो बस वैसे ही मन नहीं है करने का। और हो गई है शाम और बस 5 ही बज गए यार, देखो तो बस 5 बज गए, 5 बज गए हैं। अब शाम की झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, और फिर खाना, मैंने खाने की तैयारी भी करनी है, इसकी वजह से थोड़ा सा मूड थोड़ा सा सैड ही रहता है, ये रहता था थोड़ा सा ये वो। और वैसे खेला भी है अभी, ये खेल क्या है, मैं गई थी नहीं मत खेल, और मैंने इसको फीवर की वजह से मैंने इसको नहीं नहलाया था सुबह पे, क्योंकि इसको फीवर था, इस वजह से फीवर भी था साथ में कोल्ड भी था, लेकिन अभी इसको मेरे को 3 बजे नहलाना पड़ा, वो इसी वजह से क्योंकि ये बच्चों के साथ खेल खेल के ना, वो सारी साइड में कोई काम चल रहा है, वो सारा क्रेज सर ना उठा उठा के अपने पूरे शरीर पे, सिर पे, हाथ में, मतलब तो पूरे में, टी शर्ट वी शर्ट में सब में डाल के आ गया। अब मैं ऊपर से मैं बुलाए जा रही, मैंने कहा बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये इसको नहीं आना, नहीं मम्मा खेलना है, मम्मा खेलना है। अब लेके आई, मैंने सोचा चलो कोई नहीं, गीला कपड़ा करके पोंछ दूँ, देखा तो पीछे सर में भी था, और फिर ये बैक पीठ वीठ में सब, टी शर्ट वी शर्ट में सब एक दूसरे को डाल रखा था, इसके जैसे ही 2-3 बच्चे और थे, उन्होंने क्या कहा था, एक दूसरे के सर पे टी शर्ट के अंदर ऐसे खेल डाल डाल के बस ऐसे ही कर लिया था, तो मेरे को मजबूरी में इसको नहलाना पड़ा, लेकिन पानी नॉर्मल था, ठंडा नहीं था, तो इस वजह से मैंने इसको नहला दिया, और वैसे भी इतनी गर्मी नहीं है और ठंडी नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसको नहला दिया। फीवर तो नहीं, उस टाइम इसका फीवर ना नॉर्मल था, ज़्यादा नहीं था, टेम्परेचर इसका नॉर्मल था, तो ये थोड़ा बहुत खेल के भी आ गया था, और अभी इसको थोड़ा सा लग रहा है मुझे, तो उठेगा ना तो मैं इसको फिर मैं दवाई दे दूंगी, और साथ में मैं इसको थोड़ा सा विक्स विक्स तो मैं भी लगा देती हूँ इसको, क्योंकि ना विक्स तो सोई सोई में लग जाएगा, दवाई में दिक्कत आती है इसको पीने में, पता नहीं क्यों उसको गुस्सा आता है, कई बार तो कहेगा मम्मी मैं अपने आप पी लूंगा, मम्मी मैं ठीक हो जाऊंगा, मैंने कहा हाँ बेटा ठीक हो जाएगा, और कई बार लगता है नहीं मम्मी मैं नहीं पी रहा, मम्मी मुझे नहीं पीना, अच्छा नहीं है, यूँ कहेगा मम्मी अच्छा नहीं है, मम्मी प्लीज़ मत पिलाओ, ऐसे कहेगा, मतलब इतने प्यार से बोलता है ना तो इंसान को ना खुद ही प्यार आ जाता है, कितने भी गुस्से में होते ना तो थोड़ा हंसी आ जाती है, तो कहते ना हंसी तो हंसी वो वाली बात हो जाती है इसके साथ, तो इसी वजह से गाइस, तो प्लीज़ मेरा व्लॉग पीछे वाला ज़रूर ज़रूर फुल वॉच करना, और मेरा जल्दी से जल्दी वो टाइम कंप्लीट करवा दो, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी हेल्प हो सके, और प्लीज़ मेरा वो टाइम जल्दी कंप्लीट करवा दो, और वीडियो ढेर सारा शेयर करो, लाइक कमेंट ज़रूर किया करो, और प्लस में कमेंट किया करो कि आपको जो भी चीज़ पसंद हो देखना हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट किया करो, अगर वो चीज़ मेरे से हो सकती तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, मैं ज़रूर दिखाऊँगी, प्लीज़ तो मुझे कमेंट किया करो, और मेरी वीडियो को ढेर सारा वॉच करो प्लीज़ गाइस, बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मैं इसको
बस इसके साथ ही थोड़ा सा लगता है कि हाँ अभी सोया हुआ है ना, तो फिर मैं सोचती हूँ चलो झाड़ू वगैरह मैं लगा लेती हूँ। और उसके बाद मैं चाय तो मैंने पी ली है क्योंकि मेरे सर में हो रहा था दर्द, इस वजह से मैंने चाय जो है वो पी ली है। और इस वजह से मैं सो भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये सोने के टाइम पे ही नहीं चाहिए था, और अब 5 बज गए तो अब तो सोने का तो कुछ बनता ही नहीं है। आप सो गए ना तो सीधे 8 बजे, 8 बजे आँख खुलेगी और सारा काम ऐसे ही हो जाएगा। फिर तो हो गया सारा काम, आएंगे ये ऑफिस से तो कहेंगे हैं सो रही है, खाना पीना कुछ भी नहीं। तो गाइस उनके आने से पहले मैं खाना भी बनाऊंगी, देखते हैं खाने में क्या बनाते हैं। तो सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं है, और मैंने चना दे रखा है, भिगो रखे मैंने चने को, तो देखते हैं ब्लैक वाले चने आलू में मिक्स करके बना दूंगी। क्योंकि हमें दिक्कत इस वजह से हो रही है क्योंकि हमारी पेमेंट जो है वो नहीं आई है, सैलरी हमारी जो ये काम करते हैं क्योंकि कंपनी में कोई दिक्कत हो गई है, तो इस वजह से इनकी सैलरी डिले हो रही है, बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। और इस वजह से हमें अभी बहुत ज़्यादा बियर करना पड़ रहा है। तो गाइस प्लीज़ आप सब हेल्प कीजिए, आप सबकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ गाइस हेल्प ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियो को ढेर सारा वॉच कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है। तो हे गाइस मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा भी तबीयत ख़राब है, बुखार इसका उतर ही रहा है। मैंने इसके दवाई वाली दवाई है, मैंने इसको दवाई दी थी अभी अभी मैं इसको थोड़ी सी दवाई दे देती हूँ क्योंकि सुबह ही दी थी, अब टाइम हो गया काफ़ी। और इसकी छाती बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि खांसी सी हो गई है, इसको कोल्ड हो गया है ना, तो फिर मैं विक्स लेके आई हूँ। ये विक्स है जो मैं इसको अभी लगाऊंगी। अभी ये सोया हुआ है, इसको नींद नहीं आ पा रही है, मतलब नाक सा बंद है ना इसका, तो अभी ये सो नहीं पा रहा है। तो मैं अभी इसको दवाई दे देती हूँ जस्ट, और देखती हूँ रोए ना। मतलब बच्चा बीमार होता है ना, सच में कुछ करने का मन नहीं करता। और कुछ मेरे पैरों में भी अभी पेन की वजह से अभी मेरे को भी दिक्कत हो ही रही है, और साथ में अभी मेरे बेटे की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। देख रही थी कान में कुछ है तो नहीं, तो मैं गाइस इसको थोड़ा पहले विक्स लगा देती हूँ नाक में और इसमें। नहीं बेटा ठीक हो जाएगा, वैसे भी इसको सोने देते हैं थोड़ी देर, दवाई ना थोड़ी देर में ही दे दूंगी मैं इसको। सच में बच्चे की तबीयत खराब होती है ना तो सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तबीयत खराब की वजह से कुछ खा पी भी नहीं रहा है। थोड़ा विक्स लगा दिया ना, शायद इसकी छाती मतलब खांसी थोड़ा सा आराम मिले, इसकी वजह से सो नहीं पा रहा है। तो मैं लेके आई थी सब्जी जो कि मैंने फ्रिज में रख दिया, साथ में ये फ्रूट भी लेके आई थी। और मेरे बेटे को कह रहा था कि मुझे चाहिए अनार, तो मैं एक अनार लेके आई थी, ये आधा किलो से ज़्यादा है, देखो कितना बड़ा है। और साथ में लेके आई थी मैं पालक, टमाटर और बाकी गोभी, घिया, और इधर बैंगन, इधर ये है, इधर पूरा फ्रिज मैंने भर दिया है। और जस्ट मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी, आलू और चने मैंने इसमें बॉईल किए हैं, दिख रहा होगा आपको, ये देखो चने मैंने बॉईल कर रखे हैं,
साथ में मेरी जो कढ़ाई है वो गर्म हो गई है और मैं बनाऊंगी। मेरी कढ़ाई हो गई गर्म और साथ में मैंने दूध भी रख दिया है कि दूध भी गर्म हो जाएगा। साथ ही मैंने डाल दी है ये दो आलू जो कि मैंने इस तरह से फोड़ दिए हैं तो, और अब ये जैसे प्याज पक जाएगा। अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर।